chemistry lecturer. So in previous class we have studied about mass percentage. तो mass percentage क्या होता है बोले तो एक compound में उधर कितना molecules present है. अगर for example methanol ले लो तो CH3OH ये क्या है methanol है. तो methanol में कितना कितने elements present रहता है, carbon present रहता है, hydrogen present है, oxygen, ठीक है. तो इस तीनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो तब हम क्या कर लेना है बोले तो इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों हम क्या कर लेना है बोले तो फाइंड आउट कर लेना चाहिए, ठीक है. तो ये सभी हम कल की क्लास की वीडियो में हम देखे थे. तो आज हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस. तो रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस क्या है बोले तो जब आप केमिस्ट्री लैब करते हो ना तब आपको कौन सा भी एक एलिमेंट दे तो उनका परसेंटेज निकालना, मतलब कैसे बोले तो इस रिएक्शन इन सॉल्यूशंस में टोटल चार तरह के होते हैं. एक मास परसेंट और वेट परसेंट होते हैं, और एक मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन. ये क्या है बोले तो टोटल फोर टाइप्स है इन रिएक्शन इन सॉल्यूशंस में. अभी हम पहला वाला देखेंगे मास परसेंट और वेट परसेंट. तो मास परसेंट को हम वेट परसेंट से भी बुलाते हैं. क्यों बुलाते हैं बोले तो अभी देखेंगे. तो इसका डेफिनेशन क्या है बोले तो मास परसेंटेज का, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मास परसेंट. मतलब ये मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या बोल रहा है बोले तो एक सॉल्यूट का मास जो हमको 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मास परसेंट बोलते हैं. तो व्हाट इज सॉल्यूट बोलते हैं, व्हाट इज सॉल्यूट बोले तो जो हमारा लेस क्वांटिटी में जो भी एक अमाउंट ऑफ प्रेजेंट रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं लेस अमाउंट बोले तो फॉर एग्जांपल क्या है बोले तो सॉल्यूट मतलब लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट मतलब लार्ज क्वांटिटी. ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल क्या है बोले तो इधर 2 ग्राम एंड 20 ग्राम है, 2 ग्राम एंड 20 ग्राम है. तो 2 ग्राम क्या है बोले तो हमारा सॉल्यूट है एंड 20 ग्राम क्या है हमारा बोले तो सॉल्वेंट है. तो इस तरह ये क्यों, क्योंकि सॉल्यूट क्या है ये लेस क्वांटिटी में है और ये सॉल्वेंट क्या है बोले तो ये लार्ज क्वांटिटी में. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मास परसेंटेज बोलते हैं. जो भी एक हमारा मास वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहे तो उसको हम बोलते हैं मास परसेंट और वेट परसेंट, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या है बोले तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कोई हमारा डेफिनेशन में क्या है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिए बोले तो सॉल्यूशन में बोलूंगा, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बोले तो जो हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स है ना इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. तो ये क्या था बोले तो रिएक्शन से सॉल्यूशन. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो इसी के बेसिस के ऊपर हम थोड़ा 3-4 प्रॉब्लम्स देखेंगे वो कैसा होता है देखिए. ओके, तो ये क्या है बोले तो आपका क्वेश्चंस है. क्या है क्वेश्चंस, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. ओके, क्या करना है बोले तो हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड करना है, पहला क्या है, पहला क्या करो बोले तो गिवन लो, तो गिवन क्या है बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम. ओके, देन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितना होगा ये 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इज इक्वल टू 20 ग्राम. ओके, तो इधर आप क्या करना है बोले तो सर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिए सर, इसमें नहीं दिया बोलिए आपको डाउट आ रहे होंगे. तो मास ऑफ सॉल्यूट किसको बोलते हैं बोले तो इस क्वेश्चन में हमारा छोटा वैल्यू कौन सा है 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा. मैं आपको बोला हूं जो भी हमारा लेस क्वांटिटी में रहे तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो भी हमारा लार्ज क्वांटिटी में रहे तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट्स बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा बोले तो सॉल्यूट का मतलब क्या है इधर 2 ग्राम है और सॉल्वेंट का मतलब ये 18 ग्राम है, मतलब लार्ज क्वांटिटी है. तो
इन दोनों को मिलाए तो क्या होता है बोले तो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बोले तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं बोले तो सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूट कितना है इधर 2 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम। तो दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया हमारा 20 ग्राम हो गया। तो क्या है बोले तो ये हमारा मास आधारित सॉल्यूशन हो गया, कितना है 20 ग्राम। तो ये सभी होने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं बोले तो फॉर्मूले में पुट करना। तो फॉर्मूले पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या है बोले तो आपका मास परसेंट का फॉर्मूला है। क्या है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इधर हमारा 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम इनटू 100। ओके ये क्या है हमारा फॉर्मूले में पुट करें तो ग्राम ग्राम गेट कैंसिल। तो कितना हो गया इधर 10 गेट कैंसिल, कितना हो गया अभी 2 1 2 5 2 2 10। ओके सो ये 5 2 10। सो इसमें इधर 10% समझ में आ रहा कैसा। ओके तो ये क्या है बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम है और हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम है। तो ग्राम ग्राम गेट कैंसिल और 0 इधर एक 0 इधर एक 0 गया। तो 2 1 2 5 10। तो कितना हो गया इधर 5 2 2, कितना हो गया 10%। तो ये क्या था बोले तो हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बोले तो 10% इज द आंसर। ओके तो इस तरह से क्या करते हैं बोले तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके तो अभी क्या करेंगे बोले तो हम और एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी हमारे सेकंड प्रॉब्लम है, क्या है बोले तो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 16 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ओके तो इस पिछले क्लास में कितना दिए थे 2 ग्राम दिए थे और इधर कितना दिए थे 18 ग्राम दिए थे, लेकिन इधर क्या दिया है अभी 4 ग्राम दिया है और 16 ग्राम दिया है। तो सॉल्यूशन कैसा करना, पहले हम लिख लेना है कि मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हमारे इधर लेस क्वांटिटी कौन सा है, मतलब जो छोटा वाला नंबर कौन सा है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। तो छोटा वाला नंबर क्या है ये 4 ग्राम है। तो 4 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब जो हमारा लार्ज क्वांटिटी है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो इधर लार्ज क्वांटिटी कौन सा है हमारा, मतलब लार्ज वैल्यू रहना बड़ा वैल्यू, वो 16 ग्राम है। तो इज इक्वल टू कितना हो गया इधर 16 ग्राम। ओके तो अभी हमारा क्या है सॉल्यूट आ गया सॉल्वेंट आ गया। तो अभी हम क्या कर लेना बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जो हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रहे तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूट कितना है इधर 4 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है 16 ग्राम। तो इज इक्वल टू कितना हो गया इधर 20 ग्राम हो गए। तो ये क्या था हमारा बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 20 ग्राम। ओके तो ये क्या था हमारा बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 20 ग्राम हो गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बोले तो फॉर्मूले में पुट करना। क्या है फॉर्मूला, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके तो ये क्या था हमारा बोले तो मास परसेंट का फॉर्मूला है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 4 ग्राम। ये क्या है हमारा बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट है कितना है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है इधर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम ओके इनटू क्या है हमारा 100 है। ओके तो अभी हम क्या कर रहे हैं बोले तो इधर एक 0 गया इधर एक 0 गया 2 1 2 5 0। ओके इधर एक 0 गया इधर एक 0 गया और ग्राम ग्राम गेट कैंसिल, इधर एक 0 गया इधर एक 0 गया 2 1 2 5 0। सो 4 5 20
ना कह ले 20 सो कितना होगा इधर बोले तो द मास परसेंट ऑफ दिस वाटर इज 20% तो ये क्या हो गया बोले तो हमारा आंसर हो गया ओके तो इस तरह से हम क्या करते हैं बोले तो जो हमारा छोटा वैल्यू रहे तो वो मास ऑफ सॉल्यूट और बड़ा वैल्यू रहे तो मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करें तो कितना होता है सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन को हो गया इसके बाद क्या कर लेना है बोले तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैसे एक फार्मूला है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा जो छोटा वैल्यू है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं तो छोटे वाले कितना है इधर 4 ग्राम है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल 20 ग्राम है 20 ग्राम इनटू 100 समझ में आया तो कितना हो गया बोले तो 00 कट के आंसर 21025 तो कितना होता है 4 into 5 is 20% तो 20% is your answer ओके तो अभी हम और एक प्रॉब्लम लिखेंगे अभी हमारा थर्ड प्रॉब्लम है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 80 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 120 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट तो हमारा सॉल्यूट कितना दिया है 80 ग्राम दिया है और हमारा सॉल्वेंट कितना दिया है 120 ग्राम दिया है ओके सॉल्यूशन तो अभी हम क्या करना है इसको सो द मास ऑफ सॉल्यूट ओके ओके तो अभी क्या है बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है 80 ग्राम क्योंकि 80 ग्राम और 120 में 80 ग्राम छोटा है तो इसलिए हम क्या लिए जो भी हमारा छोटा वैल्यू रहता है उसको हम सॉल्यूट लिए तो सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 120 ग्राम तो 120 ग्राम क्या है ये लार्ज क्वांटिटी में है इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट हो गए तो अभी हम क्या कर लेना है बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है बोले तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बोले भाई अभी जो हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो कितना हो गया ये सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम है एंड जो सॉल्वेंट कितना है 120 ग्राम है तो दोनों मिलाए तो कितना होता है 200 ग्राम ओके तो 200 ग्राम क्या है बोले तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है तो अभी हम क्या कर लेना बोले तो फॉर्मूला प्रूव करना फॉर्मूला क्या है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ओके तो ये क्या होगा बोले तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये क्या है हमारा फार्मूला है ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं अभी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम है तो 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम है तो 200 इनटू 100 तो इधर कितना होता है बोले तो ग्राम ग्राम कट के आंसर इधर दो जीरो गया ओके तो 2 1 2 9 2 4 तो कितना होता है बोले तो ये 2 1 2 4 तो कितना हो ये जीरो ऐसे रहता है मतलब 40% समझ में आया कैसा ओके 80 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100 ओके इधर दो जीरो गया इधर दो जीरो गया 2 1 2 4 8 ओके तो ये कितना होता है जीरो ऐसे करे तो कितना है 40% तो 40% इज द योर आंसर द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कितना हो गया ये 40% हमारा आंसर आ गया ओके तो इस तरह से हम क्या करते हैं बोले तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था ना तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये प्रॉब्लम्स के ऊपर फॉर्मूला के ऊपर हम सॉल्व करना पड़ता है ठीक है तो इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा वो थोड़ा ये करो ओके तो होमवर्क प्रॉब्लम है क्या है बोले तो क्वेश्चन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 80 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट तो मतलब हमारा सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है और सॉल्वेंट 80 ग्राम है हम क्या कर लेना बोले तो सॉल्यूशन बना लेना और उसको फॉर्मूला में पुट करना तो आपका आंसर कितना आता है बोले तो आपका आंसर कितना आना बोले तो 20% आना चाहिए अगर आपका आंसर 20% आए तो आप सही किया हो बोल के मालूम होता है ठीक है अगर आपका 20% नहीं आए तो थोड़ा और एक बार चेक करो तो ये क्या है आपका होमवर्क प्रॉब्लम है तो इसी क्लास को हम अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं तो अगला क्लास में हम देखेंगे मूल
मोलैरिटी के बारे में देखेंगे, क्योंकि मोलैरिटी देखेंगे और उसके बेसिस के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स। ओके।